नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ईमानदार गरीब किसान की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान अपने पत्नी और दो बच्चे के साथ रहता था। वो काफी गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें बहुत ही कम मात्रा में फसल हो पाती थी, जिस कारण से उस गरीब किसान का गुजारा किसी तरह से चल पाता था। लेकिन वो किसान गरीब जरूर था, लेकिन वो बहुत ही ईमानदार था। कभी भी उसने गलत तरीके से पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचता था। किसान के बच्चे छोटे थे, जिस कारण से किसान को उनके पालन पोषण की चिंता हमेशा सताती ही रहती थी, जिस कारण से गरीब किसान और पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में खूब मेहनत करता था, लेकिन उसके मन मुताबिक अनाज नहीं हो पाता था कि उसके परिवार गुजरा हो सके। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता था कि उस गरीब किसान के पास खाने के अन्न भी नहीं होते थे। फिर उसकी पत्नी दूसरे के घरों में काम करके अनाज लाती थी, जिससे उनको भोजन मिल पाता था। गरीब में ऐसे ही उस गरीब किसान के परिवार का दिन गुजरा हो रहा था। तो एक गरीब किसान की पत्नी बोली, क्यों ना आप शहर चले जाते हैं, क्योंकि इस छोटे से खेत से हम लोगों का गुजरा तो हो नहीं पा रहा है, तो ऐसे में आपको शहर में कोई काम मिल ही जाएगा, जिससे हम लोग की दिन अच्छे हो जाएंगे। पत्नी की ये बात सुनकर किसान देर रात तक सोचता रहा। फिर उसने अगले दिन शहर जाने का फैसला किया। फिर अपनी पत्नी से विचार विश्राम करके बाद वो गरीब किसान शहर जाने के लिए निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद वो गरीब किसान शहर के एक रिहायश इलाके में पहुंच गई। लेकिन वो गरीब किसान इस शहर में अनजान था, उसका कोई जानने वाला नहीं था। वो काफी थक भी गया था और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक सूट बूट पहना एक व्यक्ति निकला और वो पास के फल के दुकान से कुछ फल खरीदने गया। फिर वो सूट बूट वाला व्यक्ति अपने हाथ में पर्स और फल का थैला लेकर फिर से गाड़ी में बैठने गया कि अचानक से उस व्यक्ति का पर्स जमीन पर गिर गया, जिसमें काफी पैसे और ढेर सारे कागजात थे जो कि बहुत कीमती भी थे। और फिर गिरे पर्स से अनजान व्यक्ति वो सूट वाला व्यक्ति अपने गाड़ी में बैठकर आगे निकल गया। तो पास में बैठा गरीब किसान इस घटना को देख लिया था और वो फिर उठकर उस पर्स के पास आया और पर्स को उठा लिया, जिसमें उस व्यक्ति का घर का पता भी था। तो वो गरीब किसान भले ही गरीब था, लेकिन वो ईमानदार था। उसने उस पर्स को वापस करने के लिए विचार किया। फिर वो लोगों की मदद से दिए पते पर पहुंच गया, जहां उस व्यक्ति का बहुत बड़ा घर था और गेट के अंदर बहुत बड़ा बगीचा भी था। तो वो गरीब किसान वहां पर रहने वाले गार्ड को बुलाया और वो उस व्यक्ति का फोटो दिखाकर उनसे मिलने के लिए बोला। तो गार्ड ने उसको उस बूट शूट वाले व्यक्ति से मिलाने के लिए बंगले के अंदर ले गया। फिर
फिर थोड़ी देर बाद वो सूट बूट वाला व्यक्ति गरीब किसान के सामने आया गया और आने का कारण पूछा तो उस गरीब किसान ने अपने जेब से पर्स लौटाते हुए गिरे हुए पर्स की सारी घटना उस व्यक्ति से बता दिया। इससे वो व्यक्ति गरीब किसान के ईमानदारी से काफी प्रसन्न हुआ और फिर उसी पर्स से कुछ पैसे निकालते हुए गरीब किसान को देने लगा। तो वो गरीब किसान हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब हम भले ही गरीब हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी का मोल नहीं लेते हैं। अगर देना ही है तो हम इस शहर में अनजान हैं और पहली बार आए हैं। इस शहर में हमारा कोई जानने वाला नहीं है। अगर कुछ देना ही है तो आप हमें कोई काम दिला दीजिए तो आपका बड़ा एहसान होगा। गरीब किसान की ये बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ और बोला, अगर आप काम चाहते हैं तो आप एक किसान हैं तो आपको पेड़ पौधे के बारे में अच्छी जानकारी होगी, तो चाहो तो आप हमारे इस बगीचे के लिए मालिक के रूप में काम कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छी पगार के साथ साथ यहीं रहने के लिए कमरा और खाने भी मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ काम कर सकते हो। गरीब किसान उस व्यक्ति की बात सुनकर वहाँ काम करने के लिए राजी हो गया। इस तरह ईमानदारी के चलते उस गरीब किसान को अनजान शहर में भी अच्छा काम मिल गया और धीरे धीरे उस गरीब किसान के परिवार के दिन भी सुधरने लगे। कहानी का शिक्षा। इस गरीब किसान के कहानी से हम यही शिक्षा मिलती है कि भले ही हम चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ चंद पैसों का लालच करके गरीब किसान उस पर्स को अपने पास रख लेता तो उसी समय तो कुछ पैसे तो जरूर मिल जाते, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। फिर उसे अपने लालच के चलते दर पर ठोकर खाने को मिलती। तो हमें भी अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास ईमानदारी का गुण है, अगर उसके साथ जीवन जीते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। इसी सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तभी एक सुखपूर्वक शांति का जीवन जी सकते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।